भोपाल में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले से लगभग 10,000 जनजातीय बंधु एवं जनप्रतिनिधि उत्साह के साथ अपने अपने गंतव्य से उक्त आयोजन का हिस्सा बनने निकल पड़े हैं। जनजातीय गौरव दिवस में सम्मिलित होने के लिए जिले से 300 बसों को जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भोपाल में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस में सिर्फ बड़वानी जिले से ही 10,000 जनजातीय बंधुओं के जाने की खबर की पुष्टि जनसंपर्क बड़वानी में की गई है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर से कितना बड़ा भव्य जन समूह भोपाल जनजातीय गौरव दिवस की शोभा बढ़ाएगा। यूनिट इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम स्वतंत्र पारदर्शी खबरों को दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि यूनिट इंडिया न्यूज को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आने पर अपने ग्रुपों में खबर को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। अवंती भाई की जय, मामा की जय, मेरे पार्टी भगवान बिरसा मुंडा की जय। जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के नेतृत्व में आज जिले के हमारे 10,000 से अधिक जनजाति भाई बंधु भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज हम शहीद भीमा नायक की कर्मभूमि और जन्मस्थली पर स्मारक पर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बड़वानी जिले के शहीद भीमा नायक और खाजा नायक की इस कर्मभूमि से हम ये उनकी पवित्र माटी लेकर इस जनजाति गौरव महासम्मेलन में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव, जनजाति महापुरुष जहाँ जहाँ भी रहे, जिनकी कर्मभूमि रही है, वहाँ से भी ये माटी के कलश इस महासम्मेलन में आएंगे। और इस महासम्मेलन में जनजाति भाइयों और बंधुओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जनजाति समाज के नेतृत्व में जनजाति भाइयों और बहनों के बीच में उनका पूरा सेना बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और हम सबको इस बात का गौरव है कि हमारे महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस महासम्मेलन में जनजाति समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के भाई और बंधुओं को भी हमने सादर आमंत्रित किया है।